नाजरीन को दिखा है। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मुकम्मल ये जो एरिया है इस वक्त फ्लड जो सैलाब का सैलाब आया है उसमें आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके का मुंशी ऑफिसर राणा यामीन साहब के साथ हो जो फ्लड एरिया के अंदर जा रहे हैं। ला न्यूज की टीम आपको लम्हा ब लम्हा खबर से आगाह करे। नाजरीन मैं फाजिलपुर के कुतुब पुल पर मौजूद हूँ जहाँ फ्लड आया हुआ है और इस वक्त पानी की कैपेसिटी काफी हद तक कम हो चुकी है। रेस्क्यू के एहलकार रेस्क्यू के ऑफिसर यहाँ पे मुकम्मल इंतजामिया मौजूद है। पानी की इस वक्त कैपेसिटी जो है 2200 क्यूसेक बाकी बच चुकी है। देख सकते हैं आरईओ साहब मौजूद हैं और उनकी मुकम्मल टीम जो अपनी टीम को इस वक्त यानी कि ब्रीफिंग दे रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इस वक्त पानी की कैपेसिटी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रेस्क्यू के जो जवान हैं वो इस सख्त गर्मी के अंदर मौजूद हैं। तकरीबन 1 वीक होने वाला है या उससे ज़्यादा दिन हो सकते हैं जब से यहाँ पे वो मौजूद हैं और पानी इस वक्त 2200 क्यूसेक में मौजूद है। बस चक पतियात ये फाजलपुर की जो कुतुब नहर का जो बंद टूट गया था इस वक्त वहाँ मौजूद हूँ और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रेस्क्यू के जवान आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आवाम को सिक्योर कर रहे हैं। ये कैमरा मैन मेरा आपको दिखाएगा कि फ्लड के इस वक्त हम दरमियान में हैं और ये मुकम्मल एरिया फ्लड के अंदर है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक यहाँ पे जो सैलाब आया था काफ़ी कम हो चुका है। मौजूद है जो फ्लड में फंसे हुए लोगों को सिक्योर कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैंप भी रेस्क्यू के लगे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रियल हीरो जो अपनी फाजिलपुर का कुतुब बंद टूटा था रेस्क्यू की टीम के साथ मौजूद हूँ। रेस्क्यू की टीम के आरईओ साहब और ईओ साहब का मैं दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारी ला न्यूज़ को टीम को उन्होंने कहा कि आप चलें और लम्हा बा लम्हा फ्लड की जो इस वक्त हमारी रेस्क्यू टीम काम कर रही है उसको आप नाजरीन को दिखाएं। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मुकम्मल ये जो एरिया है इस वक्त फ्लड जो सैलाब आया है उसमें आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके का माहौल और निज़ाम बना पड़ा है और यहाँ के अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी रेस्क्यू टीम के जवान हैं वो अहले इलाका को सिक्योर कर रहे हैं, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी की कैपेसिटी जो पहले बहुत ज़्यादा थी इस वक्त काफ़ी हद तक कम हो चुकी है और ये सामने जो आप देख सकते हैं कि बंद भी काफ़ी हद तक यानी कि जो टूटा हुआ है काफ़ी हद तक पानी नीचे आ चुका है। जो टूटा है उधर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही है और ईमानदारी के साथ आंधी है तूफान है फ्लड है बारिश है कुछ भी है ये जवान यहाँ पर अपनी आवाम की खिदमत करने के लिए 24 घंटे हाजिर हैं। अहले मोहल्ला और इलाके वालों का कहना है कि किसी भी वक्त अगर हम इन्हें कॉल करते हैं कि हमने कहीं जाना है तो हमें ये एक जगह से दूसरी जगह भी पहुँचाते हैं और उसके अलावा अगर हमें किसी किस्म की कोई बीमारी या कोई परेशानी आ जाए आती है तो हमारे लिए ये फौरन हाजिर होते हैं। हम अपने जवानों को रेस्क्यू के जवानों को सलाम पेश करते हैं। कैमरामैन शहजाद अली के साथ मलिक अरसलान शहजाद ला न्यूज़ राजनपुर।